सो हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज। तो दोस्तों, आज का जो स्ट्रक्चर है, आज का जो वाक्य है, वो बहुत ही प्यारा है। वो कुछ इस तरीके से है, ज़्यादातर समय आपको पता नहीं होता कि कहीं और क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर ज़्यादातर समय वह बिल्कुल शांत रहता है, किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं हम, और ज़्यादातर समय वह पढ़ता रहता है। या फिर ज़्यादातर समय हमने बहुत अच्छा खाना खाया, यानी कि कहीं गए थे और मैक्सिमम टाइम हमने क्या करा, खाना अच्छा खाया। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे हम इंग्लिश में, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज़ करके बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपने डेली कन्वर्सेशन में इस वाक्य को बोल पाएँ, ठीक है। दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है और हमें कई बार यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लास्ट वीडियो देखो, कहीं पर भी स्किप ना करो, जिससे कि कोई चीज़ छूट ना जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइज, और लाइक वाले बटन को हिट जरूर करो। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा तो सेंटेंस आप बोल ही लोगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर समय के लिए क्या लगाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। क्या लगाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये फ्रेज यूज होगा। उसके बाद देन यू हैव टू पुट द सेंटेंस, ठीक है। किसी भी टेंस में हो सेंटेंस, ठीक है। ज़्यादातर तो प्रेजेंट में होगा, ठीक है, या फिर फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपका क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या लगाना है इसके लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम एक अच्छा फ्रेज है, इसको यूज़ करना है। और उसके बाद आपको लगाना है सेंटेंस, तो कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से यूज़ भी कर पाओगे अपने डेली कन्वर्सेशन में। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले इसका मैं आपको सेंटेंस यूज़ करके बताऊंगा, जिससे कि आपको और इजी हो जाएगा। तो गाइस, इससे पहले आपको रिमाइंड कर दूं, मैं अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक वाले बटन को हिट करो। और एडवांस स्ट्रक्चर मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे डाल रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे एडवांस स्ट्रक्चर देख सकते हो और सामने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। ज़्यादातर समय लोग उस पार्टी को वोट देते हैं जो उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान करे, यानी कि जो उनके फायदे की बात करे, पैसे वाली, ठीक है। कैसे बोलेंगे उसे, तो जैसे मैंने फ्रेज बताया था, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय के लिए, फिर लोग, पीपल, पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट है, वोट फॉर द पार्टी, उस पार्टी के लिए वोट करते हैं, दैट ऑफर्स देम फाइनेंशियल एडवांस, जो उनको फाइनेंशियल वित्तीय लाभ, पैसे वाला लाभ प्रदान करती है, ठीक है। तो कैसे बन गया पूरा सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वोट फॉर द पार्टी दैट ऑफर्स देम फाइनेंशियल एडवांटेजेस, ठीक है। होपली आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा। एक और सेंटेंस देखेंगे, ज़्यादातर समय आपको पता नहीं होता कि कहीं और क्या हो रहा है, यानी कि हम जहाँ बैठे वहीं तो पता पड़ेगा। तो ज़्यादातर समय के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर यू हैव नो आइडिया, किसी को पता ही नहीं, आपको पता नहीं है व्हाट इज़ हैपनिंग एनीवेयर एल्स, कि कहीं पर और क्या हो रहा है, कहीं और के लिए लगाया हमने एनीवेयर एल्स, ठीक है। आप देख रहे होगे ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस है, इसलिए व्हाट इज़ हैपनिंग, हैपिन वर्ब है, उसमें हमने क्या जोड़ा है, ing, ठीक है गाइज। तो ज़्यादातर समय आपको पता नहीं होता कि कहीं और क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव नो आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग एनीवेयर एल्स। सो गाइज, आपको होपली स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, आप साथ में प्रैक्टिस करो जिससे कि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। एक और सेंटेंस देखेंगे, क्योंकि आप जितने वाक्य देखोगे कंसेप्ट उतना ही अच्छा क्लियर होगा। ज़्यादातर समय वह बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है, उधर मचाता रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो शांत रहता है ज़्यादा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेज यूज़ करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम कौन शांत रहता है, वह ही आ गया। फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, और शांत के लिए क्वाइट, और बिल्कुल के लिए एट ऑल, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ क्वाइट एट ऑल, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने सिंपली इज यूज़ कर दिया, ठीक है। एक और वाक्य देखेंगे और होपफुली आपसे इससे कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर समय हमने बहुत अच्छा खाना खाया, यानी कहीं घूमने गए थे या किसी के रहने गए थे, तो हमने ज़्यादातर तो भाई अच्छा ही खाना खाया है ना। तो फ्रेज यूज़ करना है पहले, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, किसने खाना खाया, हमने, तो वी सब्जेक्ट हो गया एज ए सब्जेक्ट, और पास्ट की बात है तो इसलिए एट, ठीक है, ईट की सेकेंड फॉर्म एट, फिर बहुत अच्छा खाना, तो वेरी गुड फूड, ठीक है। पूरा सेंटेंस कैसे बन गया, ज़्यादातर समय हमने बहुत अच्छा खाना खाया, मोस्ट ऑफ द टाइम वी एट वेरी गुड फूड, या फिर वी हैड वेरी गुड फूड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो होपली आपको दोस्तों कंसेप्ट समझ में आएगा, स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वाक्य की अंग्रेजी बना के नीचे कमेंट सेक्शन में दें, ज़्यादातर समय वह केवल सोता है,
ज़्यादातर समय वह केवल सोता है। ठीक है गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक वाले बटन को हिट करो, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।